नमस्कार, मैं हूं आचार्य भूषण कौशल। आपका बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो तक में। और मैं बताने जा रहा हूं आपको कि बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, दसवीं और बारहवीं के, आपको मिले भारी सफलता, टॉप कर जाए, इसके लिए माँ सरस्वती का वरदान मिल सकता है आपको। क्योंकि इस बार बना है बसंत पंचमी में खास संयोग। खास संयोग क्या है? इस बार बसंत पंचमी दो दिन मनाई जाएगी, दो दिन। बसंत पंचमी 9 फरवरी एक दिन मनाई जाएगी शनिवार को, और 10 फरवरी रविवार को भी मनाई जाएगी। आपके पास दो दिन मौका है माँ सरस्वती को मनाने का। अगर माँ सरस्वती मान गई तो आप बोर्ड के एग्जाम में टॉप कर सकते हैं, टॉप। आपके दसवीं और बारहवीं के बोर्ड के एग्जाम बहुत सफल होंगे। पूरे देश भर में, बड़े बड़े सारे राज्यों में बोर्ड के एग्जाम इन्हीं महीनों में होते हैं, फरवरी मार्च में। और जब होते हैं तो आप कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अंक, ज़्यादा नंबर आपके आए, आप हिट कर जाएँ। क्योंकि अगर बारहवीं में अच्छा नंबर नहीं आए तो एडमिशन नहीं मिलता। आजकल सबसे बड़ी बात है कॉलेज में एडमिशन के लिए भी 90% से लेकर के 99% तक का कंपटीशन है। बहुत ही तगड़ा है, सबकी घबराहट है। स्टूडेंट जो घबराहट में है कि मेरा एडमिशन होगा नहीं होगा, पढ़ाई में रिजल्ट अच्छे आएंगे नहीं आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो कैसे होगा। तो भगवान सारे बच्चों को भारी सफलता दे, मैं प्रार्थना करता हूँ, और सबका एडमिशन हो जाए, सबका दाखिला हो जाए, मन चाहा सब्जेक्ट मिल जाए, पढ़ाई अच्छी हो जाए, उनका करियर अच्छा हो जाए। तो इसके लिए उनको जो है अवसर बहुत अच्छा मिला इस बार। क्योंकि इस बार जो है बसंत पंचमी पूरे भारतवर्ष में दो दिन मनाई जाएगी, 9 और 10 को। तो क्या करना है राशि अनुसार मैं बताऊंगा। पहले तो एक जनरल उपाय आप देख लीजिए क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि माँ सरस्वती की वंदना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के लिए माता को दो तीन खास चीज़ें इस बार चढ़ाई जाएंगी, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि शनिवार और रविवार है तो माता को क्या खास चीज़ चढ़ाए, माता तुरंत प्रसन्न हो जाए। शनिवार है तो आपको क्या करना है कि तिल की रेवड़ी और भुट्टे के दाने, जो पॉपकॉर्न होता है, वो ज़रूर चढ़ाना है। और साथ में आपके लिए कहा गया है कि शनिवार के दिन आपने क्या करना है कि उड़द की दाल और चावल की खिचड़ी बनाकर, घी डाल करके, उसमें गाजर का और टमाटर इत्यादि डाल करके खिचड़ी बढ़िया से बना करके माता को भोग लगा के दान करें। पीले चावलों का दान करना है, पीले नमकीन चावलों का दान करना है, इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार का दिन है क्योंकि खिचड़ी का बहुत बड़ा महत्व है, तो इसीलिए माता को भोग लगा के उसको बांटना है, और आप भी उसका सेवन करें। और साथ में याद रखें कि आपने क्या करना है, पंचमेवा माता को चढ़ाना है, इतना सा काजू, थोड़ा किशमिश, थोड़ा थोड़ा लेकर के चढ़ा दीजिए और उसको रख दीजिए। और फिर एक एक प्रसाद जो है रोज खाते रहिए एग्जाम तक, ये आपने करना है। इसके अलावा क्या करना है कि दही जो है ना अपने खास में जमा करके माता को मीठी दही का भोग लगाना है। आपने क्या करना है, घर में ही दही जमाना है, और आपको शनिवार के दिन माता सरस्वती को वो दही का, मीठी दही का भोग लगा के वो दही बचा के रखना है, और रोज़ एक चम्मच उसमें से खाना है। आज 11 बजे खाएं, कल 12 बजे, कल 2 बजे, ऐसे एक एक घंटा आगे बढ़ा के दही का सेवन करते रहना है, ये उपाय। और उसके बाद रविवार आ जाएगा, रविवार को क्या करेंगे, और ये ध्यान रखें कि शनिवार को जो आपने खिचड़ी खाई है, खिचड़ी भोग लगाया, वो रविवार को खिचड़ी नहीं खाई जाती है, ना खाएँ ना भोग लगाएँ ना किसी को दें, शनिवार को ही ख़त्म कर देना है इसको। अब बात करते हैं रविवार की। दूसरे दिन माँ सरस्वती की पूजा में क्या करना है आपको। माँ सरस्वती की पूजा में जनरल उपाय यही है कि आपको लाल मिठाई का भोग लगाना है, जैसे गुलाब जामुन हो गया है ना, और लाल फल, अनार हो गया, सेब हो गए, इन सब का भोग लगाएं। और बेर जो है, बेर और तुलसी पत्ते का भोग जरूर लगाना चाहिए माता को। और तुलसी पत्ते अपने पास रखें, जाम में उसको लेकर के जाना है, मुंह में रख करके जाम देना है, तुलसी के पत्ते उनको जरूर चढ़ा करके अपने पास रखें, और हर एग्ज़ाम में जिस दिन एग्ज़ाम हो मुंह में रख करके एग्ज़ाम दीजिए।
तुलसी के पत्ते। तो राशि अनुसार हम बताने जा रहे हैं आपको कि बोर्ड के एग्जाम में, दसवीं और बारहवीं के एग्जाम में भारी सफलता प्राप्त करने के लिए राशि अनुसार क्या उपाय करें। जिन बच्चों की मेष राशि है, मेष राशि, उनको क्या करना है, छोटी इलायची की माला बना करके माँ सरस्वती को चढ़ाना है, और चढ़ाने के बाद अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में या पेन वाला बॉक्स जो ले जाते हैं आप, पेन वगैरह पेंसिल वगैरह ले जाते हैं, उसमें रखिए। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए कहा गया है कि जब बोर्ड के एग्जाम देने के लिए जाएंगे उससे पहले मास, अभी बसंत पंचमी को माँ सरस्वती को लौंग की माला काले धागे में बना करके चढ़ा करके और वो माला अपने साथ ले जाना है। बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि, आपको क्या करना है। मिथुन राशि वालों के लिए कहा गया है कि तुलसी के माला बनानी है। जैसे कि तुलसी का पौधा आपके घर में है, तुलसी की छोटी छोटी लकड़ियाँ तोड़ करके और सूखी हुई लकड़ियाँ तोड़िएगा, बना दीजिएगा एक माला और उसको माँ सरस्वती को चढ़ा दीजिएगा और अपने साथ परीक्षा हॉल में लेके जाना है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए अगर बोर्ड का एग्जाम है, ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, ऐसे बच्चों को या तो मोती की माला या कोई चांदी का लॉकेट माँ सरस्वती को चढ़ा करके गले में ले करके और उसके बाद आपको पहन के जाना है या बॉक्स में लेके जाएं, कोई दिक्कत नहीं। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए एक लाल धागे में बड़ी इलायची जो होती है, काली वाली इलायची, बड़ी इलायची, साबुत इलायची, उसकी माला बना करके माता को चढ़ाना है और अपने साथ ले जाना है। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए कहा गया है कि उनको किशमिश होती है, जो मेवे में किशमिश आती है, उसकी माला बना करके चढ़ाना है आपको। किसको? माता सरस्वती को चढ़ा करके बसंत पंचमी में साथ लेके जाएंगे, रोज किशमिश एक निकाल करके उसमें प्रसाद के रूप में खा लेंगे और फिर एग्जाम देने बैठ जाएंगे। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि को क्या करना है, अगर बोर्ड का एग्जाम है तुला राशि वालों की, तो उनको उनको क्या करना चाहिए। उनको जो है आपके लिए कहा गया है कि मिश्री की माला बना करके, अगर हो सके तो, या मिश्री का एक लॉकेट कपड़े में बांध करके बना करके माता को चढ़ाइए और उसको अपने साथ रखिए। उसके बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि एक थोड़ी सी एक लाल कपड़ा लेंगे, उसमें एक मुट्ठी मसूर की दाल बांध लेंगे, छोटा सा एक एक मुट्ठी नहीं, एक चुटकी भी कर सकते, थोड़ा सा इतना सा दाल बांध करके माँ सरस्वती को चढ़ाने के बाद अपने साथ एग्जामिनेशन हॉल में साथ लेकर जाएंगे। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के बोर्ड के एग्जाम अगर बच्चों के हैं तो धनु राशि वालों के लिए एक हल्दी की गांठ की माला बना के माता को चढ़ाना है और फिर अपने साथ ले जाना है। आप देखिए एग्जाम कैसा अच्छा जाएगा। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों को क्या करना है। मकर राशि वालों के लिए कहा गया है कि वह एक जो है बहुत ही अच्छे से एक उनको एक चित्र बनाना है, चित्र सूर्य का बनाएंगे और सूर्य का चित्र बना करके ओम सूर्याय नमः लिख करके ले जाएंगे परीक्षा हॉल में। पहले तो सूर्य को जल चढ़ाना है रोज और उसके बाद उसको ले करके जाना है। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए कहा गया है कि अगर वो परीक्षा में, बोर्ड के एग्जाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो वो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को बेर चढ़ाएंगे और बेर चढ़ा करके रखेंगे जब तक के एग्जाम, बेर के जब तक हो सकता है तो उसे फ्रिज में रख सकते हैं, उसका सेवन करेंगे। इसके अलावा और भी आपको ओम ऐं नमः का जाप भी करना है। तो बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों को क्या करना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए कहा गया है कि माता को कुछ मीठे फल जरूर चढ़ाएं, उसको फ्रिज में रखें और उसका सेवन करके जाएं, और परीक्षा हॉल में भी आप एक फल लेके जा सकते हैं। इसके अलावा मीन राशि वालों के लिए कहा गया है कि वह हल्दी की पुड़िया चढ़ा के रखें और हल्दी का तिलक लगा करके जाया करें एग्जाम देने के लिए, आपको बहुत ही सफलता आपको मिलेगी। इस तरह से आपने जाना कि राशि अनुसार भी बसंत पंचमी को क्या उपाय करना है ताकि आगे बोर्ड के एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। इस तरह से बच्चों इसको पूरा शेयर करना ताकि और बच्चों को भी इससे लाभ हो सब जगह, और आप इसको लाइक करना, आगे एस्ट्रो तक देखते रहना। लेकिन मुझे इजाज़त दो। नमस्कार। राम राम।